ग्राउंड से फेंकेंगे, ग्राउंड पे क्या करेगा तो वापस लौट के आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, क्या होगा, कुछ हाइट से तो फेंकेंगे ग्राउंड पे आ जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, उसे क्या कहेंगे इसे, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन को क्या बोलते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, क्या बोलते हैं इसे, ऑब्लिक या जनरलाइज्ड। ये ग्राउंड टू ग्राउंड को ऐसा दिखाया जा रहा है, ग्राउंड टू ग्राउंड ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें, कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे एग्जाम के लिए तो वो देखेंगे। इसमें कौन बताया क्या दिख रहा है आपको, यहाँ से फेंका और यहाँ पे गिर गया, यहाँ पे फेंका और यहाँ पे गिर गया, कौन बताया क्या दिख रहा है इसमें, यहाँ बोलेंगे देखने वाली बात है कि बाई एक्सिस के लोग डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, ये फंडा का भी यूज करूँगा, यहाँ से फेंका ना ग्राउंड पे फेंका और ग्राउंड पे ही लौट गया तो ऊपर कितना डिस्प्लेस हुआ, जीरो, तो वन पॉइंट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग बाई एक्सिस इज जीरो एंड एक्स में डिस्प्लेसमेंट हो जाता, एक्स में डिस्प्लेसमेंट जो हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, रेंज कहेंगे, क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेंज। ग्राउंड से फेंकते हैं ग्राउंड पे ही आ गया तो बोलते हैं कि इसमें क्या है, तो फिजिक्स है, तो बाई एक्सिस के लोग डिस्प्लेसमेंट कितना होता है इसमें, जीरो। ये पॉइंट कर दोगे काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे तुम्हारे, क्वेश्चन जो नहीं हो रहे होंगे ना उसमें यही फंडा लगेगा कि बाई का ही क्वेश्चन दिया रहेगा, और तुम काफ़ी लोगों से तो पास्ट में डाउट पूछे हैं हुआ तो बाई जीरो कर दोगे तो वहाँ से क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा तुम्हारा, समझ ये बात नहीं है। और दूसरा तो इसमें एक चीज़ बाई में जीरो डिस्प्लेसमेंट और एक्स में डिस्प्लेसमेंट है, एक्स में डिस्प्लेसमेंट है तो एक्स में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज। और यहाँ से अपनी फेंका ध्यान दोगे, यहाँ से अपने फेंका, ठीक है, हॉरिजॉन्टल में क्या कर गया, डिस्प्लेस हो गया, तो एक बीच में एक पार्टिकुलर पॉइंट आ रहा है जहाँ पे क्या है, ग्राउंड से हाईएस्ट पोजीशन पे, तो डैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। तो ये तीन पैरामीटर हम लोग बहुत तो डिटेल में पढ़ेंगे, तीन पैरामीटर हम लोग पढ़ेंगे और एग्जाम में भी आता, पिछले साल का याद होगा सवाल कि मैक्सिमम हाइट का सवाल पूछा गया था कि तो मैक्सिमम हाइट निकालो, थीटा 30 डिग्री दिया हुआ, इनिशियल स्पीड दिया हुआ, समझ आई बात नहीं आई। तो क्या क्या बता दिया, इसको क्या बोलते हैं, रेंज, और इस यहाँ पे जो ग्रेटेस्ट हाइट होगा तो डैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट, और यहाँ से जो यहाँ पे लौट गया तो कुछ टाइम के लिए हवा में रहा तो उसे क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलते हैं उसे, टाइम ऑफ फ्लाइट, समझ आई बात नहीं है। ये जो ना लेके तुम दिल्ली से तो मुंबई जा रहे हो, तो दिल्ली से तो ग्राउंड से उड़े और मुंबई पे कहाँ गिरे तुम, ग्राउंड पे गिरे, दिल्ली से तो तुमने तो या दिल्ली से तुम अपनी बात छोड़ दो, लाइक मोदी साहब की बात कर लेते हैं, तो मोदी साहब कहाँ से उड़े, तो दिल्ली से उड़े और कहाँ पहुँचे, मुंबई पहुँचे, तो मतलब मोदी साहब का तो बाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, और उसमें ना टाइम भी लिखा रहता है कि मोदी साहब इतना बजे यहाँ से उड़ रहे हैं और इतने बजे वहाँ पे तो स्ट्राइक करेंगे, लैंड करेंगे, तो जो कितने टाइम तक के लिए हवा में रहे, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, दैट इज कॉल्ड, समझ आ गया वो लोगों को, उसी टाइम को क्या बोलते हैं हम लोग। तो तीनों डिफिनेशन पता चल गया कि टाइम ऑफ फ्लाइट में जो हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेस हो जाएगा, हाँ या नहीं। आज जो तुम जा रहे हो दिल्ली से मुंबई तो अनाउंसमेंट आता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे ना आपको अनाउंसमेंट आएगा कि आपका जो समुद्र लेवल से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे आप उड़ रहे हैं, समुद्र लेवल से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे उड़ रहे हैं, तो डैट इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट हाइट मैक्सिमम हाइट, डैट इज कॉल्ड ना। और जनरल नॉलेज कि जो मैक्सिमम हाइट होगा तो मैक्सिमम हाइट होगा तो क्या होगा, ध्यान से होगा, रेंज क्या मिड पॉइंट पे होता, कहाँ पे होता हुआ, ये मान लो रेंज कंप्लीट है, रेंज का तो आर बाई टू पे होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए नाम दे रेंज का आर, रेंज का तो नाम क्या देते आर, तो कहाँ से कहाँ पे होगा ये आर बाई टू, आर बाई टू पे क्या होता है, हाइट क्या होगी, ग्रेटेस्ट होगी, समझ आई बात। और यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ तक का पहुँचने का टाइम, इसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ असेंट, उड़ान का समय, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों बराबर होते हैं, टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं, डन हो गया होगा लोगों को। तो तीन नाम ले लिया हमने, एक मैं हॉरिजॉन्टल रेंज नाम ले लिया, एक टाइम ऑफ फ्लाइट नाम ले लिया, और एक तो एक मैक्सिमम हाइट ले लिया,
और छोटे मोटे काम कर दिया कि मैं मैक्सिम हाइट कहाँ पे अचीव होता है, आर बाई टू पे होता है। और मैक्सिम हाइट का क्या तो लॉजिक दोगे तुम, तो मैक्सिम हाइट पे तो जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ हेल्थ जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वर्टिकल क्या हो जाएगा, समझ आई बात नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन सा कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल भी होगा वर्टिकल भी होगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, हॉरिजॉन्टल ही बचेगा, वर्टिकल क्या करेगा तो डिसअपियर हो जाएगा। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जनरल नॉलेज की बात, जब यहाँ से फेंकोगे यू स्पीड से थीटा एंगल पे, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सब सारे पॉइंट आपको क्वेश्चन में तो सुनने को मिलेंगे करने को मिलेंगे। तो यू वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंक दिया, यू वेलोसिटी से क्या फेंक दिया मैंने, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंक दिया। ये सारी बातें मैं फाइंड करने जा रहा हूँ। तो पहले तो ये यू वेलोसिटी से थीटा एंगल फेंक दिया, तो कुछ पॉइंट जो जनरल नॉलेज के तो वो बता दें आप, जो कि आपको तो काम में आएगा, देखें ध्यान से। तो यू स्पीड से फेंका तो यू स्पीड से ये स्ट्राइक करेगा, यू से फेंका तो कितने स्पीड से स्ट्राइक करेगा, यू से ही स्ट्राइक करेगा। नोट कर लोगे, कल को काफ़ी बार क्वेश्चन में इतना ही पूछ रहे थे कि इतना फेंकने वाली स्पीड है तो गिरने वाली स्पीड बताओ, तो जितने से फेंकते उतने से गिरता है, जितने स्पीड से फेंकोगे उतने स्पीड से गिरेगा, जितने स्पीड से फेंकोगे उतने स्पीड से गिरेगा। और दूसरा, जितने एंगल पे फेंकोगे उतने एंगल पे गिरेगा, जितने एंगल पे फेंकोगे उतने एंगल पे क्या करेगा, गिरेगा। थीटा पे फेंका तो थीटा पे ही गिरना है उसको, थीटा से फेंका तो थीटा पे ही गिरेगा। ये फेंकने वाला पॉइंट है और ये क्या है, तो स्ट्राइक करने वाला पॉइंट है, लैंड करने वाला पॉइंट है। तो स्पीड दोनों जगह पे क्या होगा, सेम होगा, वेलोसिटी क्या होगी दोनों जगह पे, अलग होगी। क्यों अलग होगी, क्योंकि डायरेक्शन अलग है, डायरेक्शन क्या हमारा डन हो गया। तो ये पॉइंट क्या, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन सुन लें, यहाँ पे क्या क्या होता हो, तो यहाँ पे फेंकने वाली स्पीड कितनी है, यू है, ये फेंकने वाली स्पीड है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी एम बाई टू इंटू यू स्क्वायर। यहाँ बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम होता है, या पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी सेम यहाँ पे भी होगा, सेम इस पॉइंट का भी तो नाम होगा। बोलो वो पॉइंट बताओ जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होती है। तो ये पॉइंट भी आएगा आंसर में, ये पॉइंट भी आएगा, ठीक है। और इस पॉइंट के बारे में कौन बताएगा, यहाँ पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो जाएगा, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग जीरो टिक आउट करते हैं। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होता है, जीरो है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो होगा ही होगा, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो डेफिनेटली होगा ही होगा, वहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो होगा ही होगा हाईएस्ट पॉइंट पे। क्लियर है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन में तो जितनी बातें बोली हो तो उसमें जल्दी से एक रिमाइंडर करते हैं, आगे हम लोग जो तो आते हैं सारे जो है, तो पांच चीज़ें ही पढ़ना है, जो पहले पढ़ने वाली चीज़ें आप देख लें। कोई कहीं रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो नहीं, पार्टी वार्टी में जाते हो तो पहले क्या देखते हो, ये मेनू क्या है, वहाँ पे क्या क्या है अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद अपने दिमाग में अरेंजमेंट कर लेते हो कि हाँ हमारे लिए कौन इसमें तो काम का है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी क्या करेंगे, तो पांच चीज़ें हमें पढ़नी है मेन रूप से, पांच ही आएंगे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू हो गया, यू हो गया, यू का मतलब क्या हो गया, तो इनिशियल यू है, फाइनल क्या हो जाएगा, भी करेंगे किसी टाइम टी पे भी निकालेंगे। तो पहले आप पॉइंट को क्या लेते हैं, वेलोसिटी, ये जनरलाइज बोले यू थीटा एंड एच टी आर। यू मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, और थीटा मतलब एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और एच फॉर हाइट, एच फॉर हाइट, और टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, आर फॉर, तो पूरा जो है तो पूरे जितने क्वेश्चन होंगे इन्हीं पांच चीज़ों में तो आसपास घूमते रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज़ क्या होता है, तो लेकिन जो प्रोजेक्टाइल फेंकोगे, जो प्रोजेक्टाइल क्या करोगे तुम, दो लेकिन ना टॉपिक तुमने दो सुना होगा, दोनों का तो वो मीनिंग भी समझ जाए तो आपको याद रह जाएगा। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है, तो दो टॉपिक होते हैं, काइनेमेटिक्स होता है, क्या होता है, इस टॉपिक का नाम क्या है, काइनेमेटिक्स, और एक दूसरा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज पढ़ा होगा, काइनेटिक, एक काइनेटिक होता है और एक क्या होता है, काइनेमेटिक्स होता है। दोनों टर्म का मीनिंग बता दो, दोनों का मतलब क्या होता है।
एक काइनेमेटिक्स और दूसरा काइनेटिक, दोनों का क्या मीनिंग है वो ध्यान सुनोगे। जहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट का किसके बारे में पढ़ते हैं, ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, कौन से रास्ते पे जा रहा है, तो जहाँ पे रास्ते के बारे में पढ़ते हैं तो उस सेगमेंट को क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। जहाँ पे हम लोग तो पाथ फॉलो को पढ़ते हैं, ट्रेजेक्ट्री को पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को पढ़ते हैं। ट्रेजेक्ट्री इज नथिंग बट पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल, तो डैट सेगमेंट इज कॉल्ड काइनेमेटिक्स। और जहाँ जो लेके जा जिस सेगमेंट में मोशन का काउज के बारे में पढ़ते हैं, मोशन का काउज के बारे में पढ़ते हैं कि उसका मोशन में होने का कारण क्या है, तो डैट इज कॉल्ड काइनेटिक्स। उसे क्या बोलते हैं, समझे बात नहीं है, दोनों टर्म का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो यहाँ बेसिकली यू थीटा हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज, और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या पढ़ना है, समझ आई बात। ये जो ये सेगमेंट तुम्हें बीएससी में के मैथमेटिक्स में मिलेगा, या जैसे आगे लेकर एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तो ये जो सेगमेंट है जब तुम यूपीएससी का तैयारी करोगे तो सुना होगा यूपीएससी का में क्या होता, तो एक ऑप्शन लेना पड़ता, तो तुम मैथमेटिक्स ऑप्शन लोगे, क्या ऑप्शन लोगे, मैथमेटिक्स। तो वहाँ पे तुम्हें प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक पढ़ना होगा, समझिए बात नहीं, ये फिजिक्स का भी टॉपिक हो और हायर लेकिन बीएससी एमएससी में जाओगे तो वहाँ पे किसका टॉपिक बन जाता, मैथमेटिक्स का सेगमेंट बन जाता, समझिए बात नहीं, किसका सेगमेंट बन जाता है, यह मैथमेटिक्स का सेगमेंट बन जाता। तो वो जो प्रोजेक्टाइल मोशन जब यूपीएससी के लिए तुम पढ़ोगे तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, ये हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज या यू एंड थीटा, इसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ट्रेजेक्ट्री एक इक्वेशन है। जैसे यहाँ से भी तुम पढ़ के जाओगे ना टॉपिक, और तुम घर गए, तुम्हारे घर पे अगर कोई मैथमेटिक्स में बीएससी या एमएससी कर रखा या कोई यूपीएससी का तैयारी करता जिसका मैं क्या हो तो मैथ ऑप्शनल हो, तुम गए घर पे गए और तुमसे पूछा कि तुम क्या पढ़ के आ रहे हो, तुमने बोला प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ के आ रहा हूँ, तो वो क्या डायलॉग देगा, वो बोले प्रोजेक्टाइल में क्या पढ़ना, उसमें एक ही इक्वेशन पढ़ना है, सिर्फ ट्रेजेक्ट्री पढ़ना, समझ आ बात नहीं है। तो ऐसा वो क्यों बोलता है कि ट्रेजेक्ट्री सिर्फ पढ़ना, तो ट्रेजेक्ट्री इसलिए सिर्फ पढ़ना है क्योंकि ट्रेजेक्ट्री से सब कुछ निकाल सकते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा, ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन से सारे कुछ पता चल जाता है, समझ आ बात नहीं है। अगर तुम्हें ट्रेजेक्ट्री पता तो सब कुछ निकाल सकते हो, बाकी हम लोग यहाँ पे तो कस्टमाइज होकर पढ़ते हैं कि हमें हमारे एग्जाम में तुरंत तुरंत आंसर आ जाए, इसलिए हम लोग सबको पकड़ते हैं कि यू भी पढ़ते हैं, थीटा भी पढ़ते हैं, हाइट भी पढ़ते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी पढ़ते हैं, रेंज भी पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री भी पढ़ते हैं, और कुछ मिसलेनियस भी पढ़ लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें एग्जाम में अपने क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि अगर सिर्फ ट्रेजेक्ट वहाँ पर क्या होता है ड्रेविजन आते हैं तो वहाँ पर तो चलेगा कि हमें ट्रेजेक्ट्री पता है, सब कुछ वहीं से ड्राइव करके दिखा देंगे, बट यहाँ पर हमारे क्या आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि डायरेक्ट फार्मूला लगा और क्या करना हमें आंसर निकालना, तो हमें डायरेक्ट सब सारे फार्मूलों को फाइंड आउट करके तो काम करेंगे। रेडी हैं सब लोग? तो यहाँ पे क्या तो सुन लिया कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और स्पीड भी क्या होगी यहाँ पे मैक्सिमम होगा। यहाँ पे बताया ना कि नीचे स्पीड ज़्यादा होती है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो स्पीड क्या होगी तो कम होगी, समझ ये बात नहीं है। फिर से यहाँ पे स्पीड क्या होगी मैक्सिमम, स्पीड मिनिमम कहाँ पर होगी तो हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम होगी, डन हो गया होगा। ये कहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट मिलता है, R/2 पर मिलता है, ये असेंट टाइम और ये टाइम डिसेंट दोनों मिला के कितना हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, तो डन हो गया होगा लोगों को। और यहाँ से यहाँ तक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता, बाई एक्सिस के लोग डिस्प्लेसमेंट जीरो होता, और कॉरस्पॉन्डिंग जो ये होगा उसी को क्या कहते हैं हम लोग रेंज बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग को क्या बोलते हैं हम लोग रेंज बोलते हैं। तो इतने पॉइंट हर एक को क्लियर हो गया होगा, एक्स में तो क्या होता है एक्सेलरेशन जीरो होता, अब वाई में एक्सेलरेशन कितना होता तो माइनस जी होता, इतने पॉइंट हर एक को लोग क्लियर हो गए होगा। तो अब जब मैं आगे हो तो इन पैरामीटर्स को फाइंड आउट करने जा रहा हूँ, और तो उससे पहले सिमल्टेनियस लेकर इंडिविजुअली एक्स में इक्वेशन लिख देता हूँ, वाई में लिख देता हूँ। ये जो है ना जो भी अभी तक पढ़ाया आपको लाइक वो वन डायमेंशन में अलॉन्ग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के लिए जो भी था सारे टिप्स पर होनी चाहिए आपको, जैसे मुझे याद है तो आपको भी याद हो जानी चाहिए। देंगे इधर यू से फेंक दिया, यू से फेंक दिया, इधर वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इधर कितना आ जाएगा यू कॉस थीटा, उधर कितना हो जाएगा, तो आगे से क्या पहचान है तुम्हारी नहीं यू को यू कॉस थीटा क्या पहचान है, यू कॉस थीटा क्या पहचान है, बोलो। तो यू कॉस थीटा की पहचान है यू एक्स या यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और यू साइन थीटा क्या पहचान है, कभी मर्जी होगा तो यू कॉस थीटा को यू एक्स लिख दूंगा,
या यू एक्स जगह पे क्या लिख दूंगा, यू कॉस थीटा। बोथ वे में हम लोग इसको नचाते रहेंगे, या तो यू एक्स यूज करूंगा या यू कॉस थीटा बोलूंगा। यू और यूजुअली हमारे क्वेश्चन में यू एंड थीटा दिया रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा। और हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन जीरो, और वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में जीरो और वर्टिकल में माइनस जी। डन। तो एक्स में देख लो, अभी हमने तो इंट्रोडक्शन दे दिए थे कि एक्स में तो दो ही इक्वेशन काम में आएगा। एक्स में क्या करो, एक्स के अलग लिख देता हूँ, या फोटो ले लिया ना तुमने, फोटो कर लिए तो कंसिडर कर लिया तो एक्स में अलग लिख देता हूँ, वाई में अलग लिख देता हूँ। एक्स 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 के लिए तो क्या हो गया, एक्स के लिए और वाई के लिए, तो एक्स के लिए टाइम टी पे तो वेलोसिटी, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट फाइनल टाइम टी पे, तो यू कॉस थीटा के बराबर ही रहेगा। क्यों इधर इतना ही रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, और इधर डिस्प्लेसमेंट लिखोगे टाइम टी पे एक्स के लॉन्ग, तो एक्स के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो कितना लिखोगे, तो डैट विल यू कॉस थीटा इनटू टी लिख लोगे। यही अभी थोड़ी देर से पहले समझा रहे थे, एस पर यू टी लिखते हैं, जिधर डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखना उधर की वेलोसिटी को टाइम से गुना कर देंगे। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस यू कॉस थीटा इनटू टी। किसी कन्फ्यूजन, तो बाइक अलोंग देखोगे अंडर ग्रेविटी होता, टाइम टी पे वेलोसिटी बाइक अलोंग, बाइक अलोंग बाइक बाइक अलोंग वी वाई, तो वाई वी वाई इक्वल टू तो यू साइन थीटा माइनस यू साइन थीटा माइनस जी टी, यू साइन थीटा माइनस जी टी। वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा इनटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू। और वाई के लोगे एक तीसरा इक्वेशन भी आएगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर या यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस टू जी वाई। रेडी हैं? तो देख लो यहाँ से, तो लेकिन दो सेकंड में दो पैरामीटर डिराइव कर रहा हूँ, देखो इधर दो नेक्स्ट दो सेकंड में दो पैरामीटर डिराइव हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, ऊपर देगा कलम बंद कर लेगा। तो देख लो कि यहाँ पे क्या करते हैं, तो बाई को जीरो कर दें, तो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को ही टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। बाई को जीरो कर देंगे यहाँ पे, बताया नहीं इतनी देर से मैं, तो उसको मैं इसलिए 10 मिनट अलग से समझा दिया, वो प्रोसेस था, वो प्रोसेस को यहाँ जीरो रख दो तो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को ही क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, फार्मूला जो आएगा टू यू साइन थीटा बाई जी, मान लिया लिया जा रहा है कि सबको याद है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला टू यू साइन थीटा बाई जी आता, वो हमारे लिए तो ठीक है, याद कर लिया, मोस्टली लोगों को याद है, रिमाइंडर भी हो गया, बट ये इंपॉर्टेंट है कि कैसे आता है वो, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होंगे वो यहीं पर चूक होगी। तो बाई इक्वल टू जीरो कर दो, कॉरस्पॉन्डिंग टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कितना आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, बाई जीरो करके पहला जो शुभारंभ यहीं से करा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस जी टी स्क्वायर बाई टू, बाई को जीरो कर दो, बाई को जीरो कर दो, तो कॉरस्पॉन्डिंग टाइम ही क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 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 कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट गली मोहल्ले का हर एक बच्चा जानता है, टू यू साइन थीटा बाई जी। तो सिंप्लीफाई कर लो इधर से, तो टी के वैल्यू मोस्टली लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, टू यू साइन थीटा बाई जी, या क्या कर लोगे इसे टू टाइम्स यू बाई जी, जैसे भी मर्जी हो वैसे कर लोगे तुम, दोनों में तो कोई अंतर नहीं है, बोथ आर सेम, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू साइन थीटा बाई जी या टू टाइम्स यू बाई बाई टे जी। कौन कौन सी वेलोसिटी कंपोनेंट थी, एक्स भी थी, और पूछा जाएगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, क्वेश्चन क्या बनाओगे, बोलोगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है सिर्फ बाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, एक्स से क्या है इंडिपेंडेंट है, टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, बाई कंपोनेंट पे, एक्स कंपोनेंट से इंडिपेंडेंट है, याद रख लोगे ना। और जल्दी से देखते हैं, ओरली बताओ, ओरली बताओ, ये जो लोग, लेकिन मैं ओरली कुछ क्वेश्चंस को हवा में फेंकता हूँ जो फार्मूला बेस्ड होगा, तो जिनसे ना ओरली समझ नहीं पाता तो अपने आप को तो फोकस कर, कोशिश करने की लेकर ट्राई करें, क्योंकि उससे फ़ायदा ये होगा ना कि तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो सुन के चीज़ों को ऑब्जर्व करके तो क्या करोगे तुम, कन्वर्सन कर दोगे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम सारे इन्फॉर्मेशन को लिखें ही लिखें। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का कैलकुलेशन करना देखेंगे इधर, जल्दी से मैं बोल रहा हूँ कि बोला कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना 30 डिग्री है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 10 मीटर पर सेकंड है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो,
वेरी गुड, वन सेकंड, सब लोग कर लेगा। हमने बोला कि ये 30 डिग्री साइन 30 डिग्री 1/2 हो गया, और यू की वैल्यू कितना बोला 10, तो 2 × 10 और ये कितना हो गया 10, और नीचे कितना जब 1/2 तो 20/20, तो कितना होगा टाइम ऑफ फ्लाइट? समझ में आ गया लोगों को टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया हमारा? जो लोग अर्ली नहीं कर पाते तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा आपसे भी। इससे पता चलता है कि आप कितना जल्दी से ऑब्जर्व कर पाते हैं और कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये ट्राई करोगे अभी से तो बाद में धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। तो बहुत ही आसान दिया हमने कि 30 डिग्री और कितना 10 मीटर पर सेकंड और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया। डन, इस बार देखते हैं जल्दी कौन आंसर बता पा रहा है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन 10 मीटर ही है, 10 मीटर पर सेकंड ही है, बट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 37 डिग्री कर दिया। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या कर दिया? 37 डिग्री। आंसर बताएंगे जल्दी से। 6/5 आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट, 37 डिग्री साइन 37 डिग्री 3/5 होता, कितना होता 3/5। समझ आई बात नहीं आई? तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? कितना आ गया 1.2 सेकंड। तो क्या इसमें साइंस क्या दोनों में 30 डिग्री और 37 डिग्री में? तो बोले एंगल बढ़ाने से टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता, एंगल बढ़ाने से टाइम ऑफ फ्लाइट क्या कर रहा है? ऑब्जर्वेशन ले लिया तो बस इतना ही बोल देंगे कि एक बार 30 डिग्री फेंका, एक बार 37 डिग्री फेंका, भेज दिया, फॉलोइंग इज करेक्ट। तो 37 डिग्री में टाइम ऑफ फ्लाइट ज़्यादा होगा और उस पर क्या होगा? कम होगा, ज़्यादा और कम, क्या बोला गया? ज़्यादा और। तो छोटे मोटे काम कर लिया होगा लोगों ने, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला भी याद हो गया वो लोगों को। जनरल नॉलेज, टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटेस्ट कब होगी? तो टाइम ऑफ फ्लाइट ग्रेटेस्ट है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया हमने, सबको याद भी हो गया। तो थीटा इक्वल टू 90 के लिए मैक्सिमम होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए क्या होगा ये? तो सवाल ये भी पूछ रहे थे, तो टी क्या होगा? तो मैक्स होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम होगा, और डाटा भी 2u/g आ जाएगा। 90 डिग्री पर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा हमारा? ग्रेटेस्ट होगा, मैक्सिमम होगा फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ना, तो 90 डिग्री। तो दूसरा सवाल क्या पूछा जाता है? इधर देगा, ये सवाल हमने बोल दिया कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितने के लिए? 90 के लिए। साइन 91 हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये एंगल किससे है अभी? ये हॉरिजॉन्टल से एंगल 90 डिग्री है। तो समटाइम्स पूछे रहेंगे कि प्रोजेक्टाइल को फेंका गया, वर्टिकल से एंगल बताओ ताकि टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम हो जाए। तो वर्टिकल से एंगल कितना देंगे? 0 डिग्री। वर्टिकल से एंगल कितना आंसर करेंगे? समझ आई बात नहीं आई? हॉरिजॉन्टल से पूछिएगा 90 और वर्टिकल से कितना बोलोगे? 0 डिग्री। डन हो गया लोगों को। तो पहला पार्ट हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, सबको मजा आया। कौन बोल सकता कैसे डिराइव किया हमने? बाई को 0 कर दिया, क्या कर दिया हमने? तो पहला कर लिया, देखोगे तो पहला कर लिया भाई ये। तो दूसरा देखो, मैक्सिमम हाइट निकाल रहा हूँ, इसमें 0 कर दें। तीसरा में तो क्या बताया, मैक्सिमम हाइट में V/V कितना होता है? मैक्सिमम हाइट में बताया वर्टिकल कंपोनेंट वैल्यू 0 हो जाती है। डेफिनेशन दे रखा कि जिस पॉइंट पे ये वाला 0 हो जाएगा उसी को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट। तो ये 0 करके बाइक की वैल्यू निकाल लोगे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? मैक्सिमम हाइट। तो डन करो, तुम हाथ तेजी से चलाएगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा, अपने आप को इम्प्रूव करेगा कि अगली बार मैं 720 लाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट ही है यहाँ पे पढ़ने का कि 720 नंबर तुम कन्वर्ट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, उससे जो है तो कम ला रहे हो तो कोई उसका मीनिंग रहता नहीं है। यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना? 2g। जब V/V 0 हो जाए उसी हाइट को क्या बोलते हैं? तो मैक्सिमम हाइट h लिख दिया, तो h की वैल्यू बच्चा बच्चा बोल रहा है। यू साइन थीटा का होल स्क्वायर या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। या इसी को शॉर्टकट में क्या लिख दोगे? U/2g। कौन बोल देगा कि डेरिवेशन भी समझ में आ गया, याद भी हो गया? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो गई, तो दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। वहाँ से बाई 0 करके, V/V 0 करके h निकाल लिया, वैल्यू कितनी आ गई? तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g या फिर U/2g। इसको क्या बोलेंगे इसके बारे में? बोलेंगे फिर से वाई कंपोनेंट पे डिपेंड करता है और एक्स कंपोनेंट से क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन वेज का मतलब नहीं है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। समझ आ गई बात? तो दूसरा फार्मूला दे दिया, तो तीसरा नंबर देख लो, टाइम ले रेंज रेंज रेंज। तो एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा, रेंज में कहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा?
ये वाला फार्मूला लगा दोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर दें, ये वाला, इस वाले इक्वेशन को, इस किसी टाइम टी पे एक्स पोजिशन है, इसके बारे में बोलोगे क्या हमारा, किसी टाइम टी पे एक्स पोजिशन है, और इसी इसी एक्स पोजिशन को किस किस टाइम पे, टाइम ऑफ फ्लाइट पे निकाल लोगे, तो डैट इज कॉल्ड रेंज कहलाएगा, डैट इज कॉल्ड। तो एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी, इसमें टी के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दो, तो ये क्या क्या बन जाएगा हमारा, तो ये रेंज बन जाएगा, आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इनटू टी हो जाएगा। रेंज का फार्मूला किसको किसको याद हो गया, हाँ जी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से गुना कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, रेंज निकल जाएगा। रेंज किस पे किस पे, रेंज का एनालाइज कर दे रहा हूँ, रेंज 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 हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, प्यार से रेंज बोलते हैं, बट पूरा नाम क्या है इसका, तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितना हो गया, यू कॉस थीटा इनटू, तो कैपिटल टी पांच तरीके से लिख रहा हूँ, पांचों जो तरीका लिखूंगा उस पर सवाल रहेंगे आपको। कैपिटल आर की वैल्यू यू कॉस थीटा इनटू टी, या किसी ने पूछा यू कॉस थीटा इनटू टू यू साइन थीटा बाई जी, या तीसरा नंबर क्या लिखूंगा इसी को, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। तीसरा नंबर पहले ऐसा कर लो, तीसरा नंबर एक और छोटा कर देता हूँ, टू टाइम्स यू एक्स यू वाई बाई जी, टू टाइम्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बाई जी, या चौथा नंबर यू स्क्वायर बाई